हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सिविल इंजीनियर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फ्लोर टाइल्स। हमने पिछला वीडियो में सीख लिया है कि हम वॉल का टाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल पे हमारे कितने टाइल लगेंगे वो कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि फ्लोर का टाइल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट फ्लोर टाइल्स, फ्लोर का टाइल्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ गिवन दिया है जिसे हम देख लेते हैं। साइज ऑफ बाथरूम, बाथरूम का जो साइज़ है 5 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा है। उसके बाद हाइट ऑफ बाथरूम, जबकि जो फ्लोर को टाइल निकालने के लिए हमें हाइट से नहीं लेना देना है, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है हाइट ऑफ बाथरूम कितना है, 8 फीट है। साइज ऑफ टाइल, जो बाथरूम में अपने साइज लगेंगी टाइल की वो 300 mm x 300 mm की रहेंगी। अब सॉल्यूशन का बात करते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ टाइल निकालना है, तो नंबर ऑफ़ जो टाइल होगा वो डिपेंड करेगा टॉयलेट के फ्लोर एरिया। टॉयलेट के फ्लोर एरिया में एक टाइल की एरिया से डिवाइड कर देंगे तो अपना नंबर ऑफ़ टाइल निकल के आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ़ टाइल इज इक्वल टू फ्लोर एरिया डिवाइड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। अब निकाल लेते हैं एक एक करके एरिया ऑफ फ्लोर। पहले निकाल लेते हैं इस फ्लोर की कितनी एरिया होगी। इस फ्लोर की एरिया हम फुट में निकाल रहे हैं, 5 फीट बाई 8 फीट का है, तो 8 × 5 कर देंगे तो 8×40 square feet हो जाएगा। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे टाइल की, एरिया ऑफ वन टाइल जो कि mm में दिया हुआ है, तो इसे हम फुट में चेंज कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि हम mm से फुट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा फ्लोर जो एरिया है वो फुट में है। हम इसे चाहें तो mm में चेंज कर सकते हैं और इसे mm में ही रहने देंगे। हमें मतलब ये इससे है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो हम इसे mm में चेंज कर लें या तो हम इसे फुट में चेंज कर लें। तो हम इसी को फुट में चेंज कर लेते हैं, इसे फुट में ही रहने देते हैं। फुट में चेंज करेंगे 300 mm का फुट निकल के आ जाएगा 0.984 mm इंटू फिर 300 का 0.984, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.968 square feet। अगर आपको फुट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से यूनिट कन्वर्जन देख करके mm से फुट में और मीटर से फुट कैसे निकालते हैं वो आप सीख सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइल का एरिया निकाल लिया और यहाँ पे हमने फ्लोर का भी एरिया निकाल लिया है। हमारे पास दोनों आ गए हैं। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे और अपना वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, कितना टाइल लगेगा हमारा वो निकालने जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, फ्लोर एरिया डिवाइड अपॉन वन टाइल एरिया। फ्लोर एरिया अपना 40 है और एक टाइल की एरिया 0.968 है जो कि हमने यहाँ निकाला है। इसमें सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा 41.32, जिसे हम 42 नंबर मान लेंगे, यानी कि 42 टाइल्स आ गया। जब छोटे जगहों पर टाइल लगाते हैं तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा जाता है। वेस्टेज 5 से लेकर 10% तक होता है, तो हम इसे 10% ले लेंगे, क्योंकि टॉयलेट में टाइल लगाते हैं तो उसमें कटिंग ज़्यादा होती है और टाइल वेस्टेज ज़्यादा जाता है, तो हमने 10% वेस्टेज ऐड कर दिया। तो अगर हम 42 का 10% निकालें तो हमारा 4 नंबर टाइल आएगा। तो हमारा टोटल टाइल रिक्वायर्ड जो है 42 + 4 यानी कि 46 नंबर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।